So we have completed the first two structures, that is NaCl structure, which is also known as halite structure or rock salt structure, and the second structure was CaCl structure. And have you given some examples of other structures related to rock salt? मैंने एग्जाम्पल दिए थे क्या आपको, है ना? क्या हैलाइड्स ऑफ, हाँ बिल्कुल बता दिया था ना, FeO, MgO और CaCl के स्ट्रक्चर में कौन कौन से एग्जाम्पल बताए थे मैंने आपको, है ना? CaCl में नहीं बताया था तो लिखना बेटा, है ना, कि CaCl, CsBr, CgM के ही आएंगे सभी कंपाउंड. CaCl, CsBr also have this type of structure. Now we are coming for our third structure, that is ZnS structure. ZnS crystallizes in two forms. In the first option, it is known as zinc blend structure. Which crystallizes in CCP. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज स्फेलेराइट स्ट्रक्चर, बट कॉमनली जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर ही बोलते हैं हम लोग इसे, है ना? ZnS का कॉमन नेम ही जिंक ब्लेंड है. तो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर पहला अरेंजमेंट है इसका. आई हैव गिवन यू द वर्ड पॉलीमॉर्फस. पॉलीमॉर्फस का मतलब क्या होता है बेटा? पॉली मतलब एक से ज्यादा, मॉर्फस मतलब फॉर्म्स. ऐसा कंपाउंड जिसके एक से ज्यादा फॉर्म्स हो. तो ZnS के दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, CCP वाला भी और HCP वाला भी. पहले हम लोग CCP वाले को देखें, कॉमनली इंपॉर्टेंट ये होता है. तो अगेन बाय द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ RZn प्लस 2 अपॉन R-2 को जब देखा जाता है, दिस रेशियो इज 0.3. अब 0.3 आने का मतलब क्या हो गया बेटा? कौन सा वॉइड हो गया आपका? ऑक्टेव, सॉरी. 0.3 आने का मतलब कौन सा वॉइड हो गया? ये टेट्राहेड्रा, ठीक है ना? तो रेशियो 0.3 आ रहा है, दैट मीन बड़ा कौन है, कैटायन बड़ा है कि एनायन बड़ा है? एनायन भैया. रेशो एक्स बाय वाई का रेशो 1 से छोटा हो गया अगर, तो y बड़ा है x छोटा है यार, इतना क्या मैथमेटिक्स क्या पढ़ रहे हो फिर, है ना? तो सल्फाइड आयन इज बिगर. जो भी बिगर होगा बेटा वो हमेशा किस में जाएगा? आपका FCC में, ठीक है ना? क्योंकि टेट्राहेड्रल ऑइड आ गया तो FCC हो गई. तो सल्फाइड आयन डेफिनेटली विल अरेंज इन CCP. CCP इज नथिंग बट FCC, दैट इज एट कॉर्नर एंड फेस सेंटर, है ना? नाउ रेशियो इज इंडिकेटिंग दैट द वॉइड शुड बी टेट्राहेड्रल, बट द रेशियो ऑफ कैटायन टू एनायन इज इंडिकेटिंग दैट दे शुड बी प्रेजेंट इन 1:1. मुझे पता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, हमेशा नंबर ऑफ एटम्स के डबल होते हैं, ठीक है? तो अगर मुझे रेशियो 1:1 का मेंटेन रखना है तो क्या मैं सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स भरूंगा? नहीं, मैं केवल कितने भरूंगा बेटा? आधे, ताकि दोनों का रेशियो क्या हो जाए आपका? 1:1. अदरवाइज तो रेशियो कितना हो जाता? 1:2 हो जाता. तो एक आइडिया तो मुझे यहां से मिल गया बेटा कि टेट्रा है. दूसरा आइडिया ज्योमेट्री से है कि भैया इसमें कभी भी 100% टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर 100% किसी भी कंपाउंड में हो गए तो रेशियो हमेशा 1:2 का हो जाएगा. बट वी हैव टू मेंटेन द रेशियो 1:1. एंड जस्ट नाउ वी हैव सीन द क्वेश्चन ऑफ JEE 2005 जिसमें ये साफ साफ पूछा गया था, है ना? तो आफ्टर दिस यू कैन जस्ट नोट डाउन, है ना? सो इन द ZnS स्ट्रक्चर, so in the ZnS structure, sulfide ions are arranged in CCP, then that is FCC, that is FCC, that is at corner and face center, that is at corner and face center, ठीक है ना? And Zn plus 2 ion is present in alternate, you can say alternate beta, and you can also say 50%. What is the meaning of alternate? एक body diagonal पर दो जो होते हैं बेटा, अब एक body diagonal पर एक ही होगा और एक छोड़कर एक होगा. अगर इसमें ऊपर डाला है तो इसमें फिर नीचे डालोगे. इस तरफ दो हो गए, अब इसमें ऊपर हो गया बेटा, तो डेफिनेटली इस बॉडी डायगोनल के नीचे वाले में नहीं होगा. नीचे में नहीं होगा तो उसमें ऊपर हो गया और उसमें नीचे हो जाएगा, ठीक है ना?
तो जेड एन प्लस टू आयन इज प्रेजेंट इन ऑल्टरनेट दैट इज 50% ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉल्ट्स, है ना. तो यू कैन यूज द वर्ड अल्टरनेट एज वेल एज यू कैन यूज द वर्ड 50%. सो इफ नाउ वी आर गोइंग फॉर द कैलकुलेशन, तो नंबर ऑफ सल्फाइड आयन सिंस इट इज अरेंज्ड इन एफसीसी, तो 8 कॉर्नर इनटू 1/8 प्लस 6 फेस सेंटर इनटू 1/2 इट कम्स आउट टू बी कितना 4, है ना. सल्फाइड आयन 4 हो गए बेटा. इफ सल्फाइड आयन आर 4 दैट मीन नंबर ऑफ Zn plus sorry number of tetrahedral voids will be equals to 2 into 8, क्योंकि tetrahedral voids हमेशा क्या होते हैं double. इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर पूरे tetrahedral voids भर जाते बेटा तो 4:8 का ratio होता. 4:8 मतलब 1:2, but मुझे तो 1:1 का ratio चाहिए. That's why it is present in 50%. तो that means number of अगर मुझसे Zn plus 2 आयन पूछे जा रहे हैं तो इट इज 1/2 × 8 दैट कम्स आउट टू बी 4. तो सल्फाइड आयन भी 4, जेड एन प्लस टू आयन भी 4, दैट मीन फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज जेड एन एस, ठीक है ना. और जो चीज आप कॉमन लेते हो वो आपके लिए किसके बराबर हो जाता है बेटा, जेड के. तो जेड कितना हो गया आपका 4. जस्ट नाउ आई टोल्ड यू एक्सेप्ट द CaCl, उसको छोड़कर बाकी सबका जेड 4 ही आएगा, जो 5 मेजर स्ट्रक्चर है हमारी, ठीक है ना. तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर दिस, सेकेंड दिस कैलकुलेशन, थर्ड फॉर्मूला इन जेड, फोर्थ थिंग इज अवर एज लेंथ, ठीक है ना. तो अगर ये टेट्राहेड्रल वॉइड में बैठा है बेटा, ठीक है ना, आइडियल रेशियो है कि नॉन आइडियल, नॉन आइडियल. आइडियल रेशियो में क्या होता है, एनायन एनायन टच करते हैं, और एज लेंथ किसके टर्म्स में आती है, केवल आर माइनस. बट नॉन आइडियल होते ही एज लेंथ आर प्लस और आर माइनस. इस कॉर्नर के नीचे एक टेट्राहेड्रल वॉइड बना है, इसमें जेड एन प्लस टू, उधर सल्फाइड. कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, √3a/4, ठीक है. और दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को टच, तो दैट मीन √3a/4 की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा, आर जेड एन प्लस टू प्लस आर माइनस टू. आर यू गेटिंग माई आइडिया, है ना. आप भले चाहो तो एक लाइन वर्ड में भी पहले लिख लेना कि टेट्राहेड्रल वॉइड जेड एन प्लस टू प्रेजेंट इन टीवी, जेड एन प्लस टू प्रेजेंट इन टीवी एंड सल्फाइड आयन एट कॉर्नर, एंड सल्फाइड आयन एट कॉर्नर आर टचिंग इच अदर, एंड सल्फाइड आयन एट कॉर्नर आर टचिंग इच अदर एंड दे आर एट अ डिस्टेंस ऑफ √3a/4. And they are at a distance of √3a/4. So now you can write this. So from here, edge length कितनी हो गई हमारा? 4/√3 of r Zn plus 2 plus r s1. है ना? जो अगली दो structure बाकी है बेटा, सबका edge length का formula यही रहेगा. क्यों? क्योंकि सब में कौन सा void है आपका? Tetrahedral. बस cation anion बदल जाएंगे. एंड द लास्ट थिंग आफ्टर एज लेंथ, है ना. बस ये हर स्ट्रक्चर के मुझे 5 चीजें याद होना चाहिए. जेड एन प्लस टू के लिए क्या बोला बेटा, अल्टरनेट या 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 50% का मतलब कितना होता है, 1/2, ठीक है ना. लास्टली कोऑर्डिनेशन नंबर. अब जेड एन प्लस टू तो कहाँ प्रेजेंट है, टीवी में. तो टीवी वाला कितनों को टच करता है, टेट्राहेड्रल वॉइड में अगर रखा हुआ है तो वो किस किस को टच करेगा, 4 को. तीनों नीचे वाले स्फीयर और एक ऊपर वाला, एक ही टच करेगा ना, या तो ऊपर या नीचे, ठीक है ना. तो 4 हो गया. अब कॉर्नर एक कमरा है, ये कितने कमरे हैं बेटा ऐसे हमारे पास, 8. इस कॉर्नर के एटम को देखूं, जेड एन प्लस टू को हो गई, जो वाइड में है उसकी तो सीधे कोऑर्डिनेशन नंबर पता पड़ गई. अगर ऑक्टा में होगा तो 6, क्यूबिकल में होगा तो 8, टेट्रा में होगा तो 4. अब मुझे इसकी देखनी है कॉर्नर वाले की, ठीक है ना. कितने कमरे हैं बेटा, 8. ये जो कॉर्नर है कितने कमरों से शेयर्ड है, 8 से. हमने पीछे ना लेके अब इधर ले ले रहा हूं, तो 8 कमरे हमेशा. तो ये कॉर्नर कितने कमरों से शेयर्ड है आपका, 8 से. हर कॉर्नर के नीचे एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो टोटल कितने टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया बेटा, 8.
अगर सभी में भरा होता तो ये कितनों को टच करता, पूरे 8 को टच करता, बट अभी प्रेजेंट है कितने में बेटा, अल्टरनेट मतलब कितने में, 4 में, तो केल कितने को टच कर पाएगा, ये 4 को, तो इसलिए इसकी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और जेड एन प्लस टू भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना। तो लास्ट कोऑर्डिनेशन नंबर में हम ये बोलेंगे कि इच जेड एन प्लस टू आयन इज टचिंग 4 सल्फाइड आयन, इच जेड एन प्लस टू आयन इज टचिंग 4 सल्फाइड आयन एंड इच सल्फाइड आयन इज टचिंग एंड इच सल्फाइड आयन इज टचिंग टचिंग 4 सल्फाइड आयन। अब सल्फाइड आयन जब मैं बोलता हूँ ना बेटा, तो डू नॉट राइट द फुल नेम, इट शुड बी एस माइनस टू। आयन्स का कभी भी नाम तो ना लिखा जाता है बेटा, ठीक है ना, एस माइनस टू लिखो ताकि आपका भी टाइम बचेगा और आपको केमिस्ट्री की फीलिंग आएगी। इच जेड एन प्लस टू आयन इज टचिंग 4 सल्फाइड आयन एंड इच सल्फाइड आयन इज टचिंग 4 जेड एन प्लस टू आयन, है ना। हेंस स्ट्रक्चर हैज 4:4 कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। NaCl की कितनी थी कोऑर्डिनेशन नंबर, 6:6, CaCl की 8:8, अब इसकी हो गई कितना बेटा, 4:4, ठीक है ना। तो दिस इज द फर्स्ट, और अदर एग्जांपल्स अगर आप इससे बोले जाए बेटा तो यू कैन राइट, है ना, AgCl, AgBr, यस, CuCl, CuBr, etc. AgCl, AgBr, CuCl, CuBr, etc. have this type of structure. The second form of ZnS structure जो होता है बेटा वो Woodside, WURTZIT, Woodside structure. बस फर्क इतना है ना, ये हमारे सिलेबस में नहीं है बट हम लोग कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर्स करें। द सेकेंड स्ट्रक्चर इज दैट अवर Woodside स्ट्रक्चर दैट इज SCP, है ना। तो दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन अवर सिलेबस बेटा, बट वी विल डू सम, है ना, 5 or 6 एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जिनके बारे में मुझे जानकारी होनी चाहिए। इसमें बस इतना ही डिफरेंस हो जाएगा बेटा कि HCP है तो CCP में सल्फाइड आयन किस में अरेंज था, CCP में, अब इसमें किस में अरेंज होगा, HCP में, ठीक है ना। और Zn प्लस टू अभी भी किस तरह के वॉइड में होगा, टेट्राहेड्रल में, और कितने टेट्राहेड्रल वॉइड में, 50%। तो कभी पूछ ले तो बस एक लाइन लिख लीजिएगा कि इन Woodside स्ट्रक्चर, इन Woodside स्ट्रक्चर सल्फाइड आयन्स आर अरेंज्ड इन HCP sulfide ions are arranged in HCP and Zn plus 2 ion is present in alternate that is 50% of tetrahedral voids. Zn plus 2 ion is present in alternate that is 50% of tetrahedral voids, ठीक है ना। अब देखो, अब अगर मुझसे number of sulfide ion बोला जा रहा बेटा तो HCP में कितना होता, 6 होता, क्योंकि HCP की unit cell, अगर मैं FCC की unit cell बोलता हूँ बेटा, मतलब total कितने points है आपके पास, 14, 8 corner और 6 face center, HCP बोलता हूँ तो total 17 points है ना, 12 corner, 6 ऊपर के और 6 नीचे के, 12, 2 face center, 12 plus 2, 14, और 3 एटम 8, 9, 10 यूनिट सेल के अंदर थे, ठीक है ना। तो इसलिए इसका जो आपका सल्फाइड आयन का जो नंबर होगा वो 12 कॉर्नर, कॉर्नर वाला कितने से शेयर्ड होता है बेटा, 1/6, फेस सेंटर वाला कितने से शेयर्ड होता है, 1/2, और जो यूनिट सेल के अंदर थे बेटा वो पूरा पूरा 1, तो नंबर ऑफ सल्फाइड आयन कितने हो गए, 6, ठीक है ना। अब अगर सल्फाइड आयन 6 है तो नंबर ऑफ Zn प्लस 2 आयन कितने होंगे मेरा, डबल, तो 6 2 जा कितने आपका, 12, ठीक है ना। और अगर सॉरी Zn प्लस 2 आयन बोलो, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, और अगर टेट्राहेड्रल वॉइड 12 है बेटा तो नंबर ऑफ Zn प्लस 2 आयन कितना हो जाएगा हमारा, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब 6, तो यू कैन अगेन सी कि दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए था मेरा, 1:1। सो फॉर्मूला इज स्टिल ZnS, बट इसका चेंज क्या हो गया बेटा,
जेड चेंज हो गया, है ना। सीसीपी का है तो जेड कितना था आपका, 4। सीसीपी वाली कोई भी स्ट्रक्चर होगी, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड किन में बनते हैं, या तो सीसीपी में बनते हैं या फिर एचसीपी में बनते हैं। और ऑलरेडी मैंने बोल दिया कि एचसीपी हमारे सिलेबस में काफी कम है बेटा, तो आउट ऑफ दैट 5 स्ट्रक्चर के सीएससीएल थी जो किस तरह के वॉइड में जा रही थी, बीसीसी वाले टाइप, बाकी सब तो सीसीपी में थी। और सीसीपी वाली जो भी होगी उसका जेड हमेशा कितना होगा बेटा, 4। एचसीपी वाला जो होगा उसका जेड कितना हो गया मेरा, 6 हो गया, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, अभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है आपका, 4:4, ठीक है ना। अब आप एक चीज मुझे बताओ कि ZNS तो एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, क्या इसकी डेंसिटी अलग अलग फॉर्म की वजह से बदल जाएगी, नहीं है ना, जिसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप चाहो तो नीचे नोट करके लिख सकते हो बेटा, है ना, कि इफ अ कंपाउंड इज क्रिस्टलाइजेस, है ना, इफ द सेम कंपाउंड क्रिस्टलाइजेस, सेम वर्ड डाल देना, इफ द सेम कंपाउंड क्रिस्टलाइजेस इन बोथ एचसीपी एंड सीसीपी, है ना, देन इट्स डेंसिटी रिमेन्स सेम। दिस क्वेश्चन इज गिवन इन द डीपीपी एज वेल एज इन द शीट, और ये एडवांस लाइक क्वेश्चन है बेटा, यू हैव टू रिमेंबर। अगर कंपाउंड सेम है बेटा तो उसकी डेंसिटी क्या रहनी, सेम ही रहनी, है ना, और उसको हम लोग अभी प्रूव कर देते हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू द स्टेटमेंट, इफ द सेम कंपाउंड क्रिस्टलाइजेस इन बोथ एचसीपी एंड सीसीपी देन इट्स डेंसिटी रिमेन्स सेम। कैसे प्रूव करूं भैया, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी, जेड इंटू ए अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब, मतलब वॉल्यूम ले लें बेटा, ए क्यूब इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एच सी पी में ए क्यूब नहीं बोल सकते आप, ठीक है। अब अगर कंपाउंड सेम है तो ए तो क्या हो गया, कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, और एन ए तो वैसे भी क्या है बेटा, कॉन्स्टेंट, ठीक, दो चीज तो फिक्स हो गई। तो अगर जेड बाय वी का रेशियो कंपाउंड के लिए सेम हो रहा है दोनों में, तो उसकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। आर यू एग्रीइंग विद माई फैक्ट, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कमिंग फॉर सीसीपी, सीसीपी का जेड कितना होता है बेटा, 4, और ये चूंकि क्यूब है इसलिए इसका वॉल्यूम कितना था अगर आपको याद हो तो, ए क्यूब, और ए किसके बराबर था बेटा, 2√2r, तो इसलिए कितना हो गया, 16√2r³, है ना। नाउ यू कैन सी द रेशियो ऑफ जेड बाय वी, इट इज 4 ऊपर बेटा, 16√2r³ नीचे, तो 1/4√2r³, सही बोल रहा हूँ। अब अगर मैं एचसीपी में आ जाता हूँ बेटा, तो एचसीपी का जेड कितना है, 6, और अगर आपको एचसीपी का वॉल्यूम याद हो, जेई 2008 कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन भी है, व्हाट वाज द वॉल्यूम ऑफ एचसीपी, 24√2r³, यू कैन अगेन सी द रेशियो ऑफ जेड बाय वी, ऊपर 6 है बेटा नीचे 24 है, तो 1/4√2r³, है ना। लॉजिकली तो मैं प्रूव ही कर रहा हूँ कि अगर कंपाउंड सेम है तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी बेटा, सेम होगी। स्ट्रक्चर अलग अलग होने से क्या फर्क पड़ता है, बट हम लोग उससे न्यूमेरिकली भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे नोट कर लेना, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इफ द सेम कंपाउंड क्रिस्टलाइजेस इन बोथ अरेंजमेंट देन इट्स डेंसिटी रिमेन्स सेम। So now we are coming to, है ना, till now we are discussing the structure of AB type of compound. और AB type of compound का मतलब क्या था, cation और anion दोनों 1:1 के ratio में थे। अब हमारा अगला है AB2 या A2B, है ना। AB2 का मतलब है कि A to B का ratio कितना है हमारा, 1:2,
और इससे रिलेटेड जो हमारी स्ट्रक्चर है दैट इज CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बाकी हमारा। और ए टू बी का मतलब है बेटा आपका एच टू बी का रेशियो कितना है आपका 2:1 एंड द रिलेटेड स्ट्रक्चर इज Na2, है ना। 1:2 का रेशियो आ रहा है मतलब प्रोबेबिलिटी कौन से वॉइड की हो गई बेटा आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड की, ठीक है ना। और साफ दिख रहा है बेटा इसमें F2 है मतलब F कौन से वॉइड में होगा टेट्रा में, तभी तो डबल हो रहा है। और कैल्शियम किस में होगा बेटा FCC में। और इसमें क्या हो जाएगा Na2O में, Na किस में होगा टेट्राहेड्रल में, और ऑक्साइड किस में हो जाएगा FCC में, है ना। आप बाय लिंक भी देख सकते हो बेटा कि वॉइड में हमेशा क्या जाता है जो छोटी चीज होती है। और अगर शायद आपको पता हो दो आइसो इलेक्ट्रॉनिक चीजें Na प्लस और Mg प्लस 2 किसकी साइज बड़ी होगी, हर चीज को हर चीज से लिंक करोगे तो केमिस्ट्री की फीलिंग काफी बढ़िया आएगी। जैसे पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा कि Na प्लस और Mg प्लस 2 दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, पता है आपको, ठीक है ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्यों है, क्योंकि इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों में से साइज किसकी बड़ी है बेटा Na प्लस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है बेटा। फॉर केटायन साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। और नहीं पता है तो ऐसे देख लो, इसके पास प्रोटॉन तो अभी भी 11 है, इलेक्ट्रॉन कितने 10, इसके पास प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन कितने 10। आपने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नाम सुना होगा, 11 प्रोटॉन 10 को खींच रहे हैं, 12 प्रोटॉन 10 को खींच रहे हैं, किस केस में ज्यादा पुलिंग होगी। और प्रोटॉन जितनी टाइटली खींचेगा अपनी तरफ साइज क्या होगी उतनी कम हो जाएगी। तो इसलिए केटायंस के लिए रूल क्या होता है बेटा, जितना ज्यादा चार्ज साइज उतनी छोटी, है ना। एनायंस के लिए भी सेम रूल होता है, बस माइनस को भूल जाओ। अगर मैं आपसे एफ माइनस और ओ माइनस टू की साइज पूछूंगा तो किसकी साइज बड़ी होगी, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, 9+1 10 इलेक्ट्रॉन, 8+2 10 इलेक्ट्रॉन। अब आप इसमें देख लो प्रोटॉन कितने बेटा 9, इलेक्ट्रॉन कितने 10, 9 प्रोटॉन्स आर पुलिंग 10, इसमें क्या है प्रोटॉन कितने हैं बेटा 8, इलेक्ट्रॉन कितने 10, 8 आर पुलिंग 10, तो डेफिनेटली इसकी साइज क्या होगी छोटी, उसकी साइज बड़ी होगी। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम हो, आइसो का मतलब सेम होता है, उनके लिए सीधा सीधा रूल है कि साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके बेटा चार्ज, मैग्नीट्यूड, है ना, प्लस माइनस को भूल जाओ। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि Na प्लस और O माइनस 2 में किसकी साइज बड़ी होगी, O माइनस 2 की, तो आप देख सकते हो बेटा कि इसमें डेफिनेटली Na प्लस वॉइड में चले गया और O माइनस 2 कहाँ गया आपका FCC में, क्योंकि बड़ी चीज हमेशा FCC में जाएगी, छोटी चीज हमेशा किस में जाएगी वॉइड्स में, है ना। और इसमें देख लो आप CaF2 में क्या होगा, कैल्शियम है और फ्लोराइड है, तो डेफिनेटली कैल्शियम की साइज क्या होगी बड़ी, क्योंकि कैल्शियम कौन से पीरियड का एलिमेंट हो गया फोर्थ पीरियड, और फ्लोरीन किस पीरियड का एलिमेंट है सेकेंड पीरियड, तो इसलिए कैल्शियम बड़ा है तो मेन साइड्स में कैल्शियम गया। और F माइनस 2 कहाँ चले गया आपका वॉइड्स में चले गया, ठीक है ना। दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे की जस्ट अपोजिट है बेटा। ऊपर वाली स्ट्रक्चर का नाम होता है फ्लोराइट स्ट्रक्चर और नीचे वाली स्ट्रक्चर का नाम होता है आपका एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर। एंटी का मतलब अगर आपको पता ही हो, एंटी का मतलब होता है क्या, उल्टा, पूरा उल्टा होना। उसमें केटायन मेन साइड्स में था, एनायन वॉइड में, नीचे पूरा उल्टा हो गया, केटायन वॉइड में आ गया और एनायन मेन साइड्स में हो गया। दैट्स व्हाई बोथ द स्ट्रक्चर आर सिमिलर, बस उल्टा पैटर्न हो गया है, बाकी सब चीजें क्या रहेंगी सबके लिए सेम रहेंगी, चाहे जेड की बात करो, चाहे एज लेंथ की बात करो, चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करो, बस केटायन एनायन की पोजीशन क्या हो गई हमारी चेंज हो गई, ठीक है ना। तो फर्स्ट वी आर गोइंग फॉर फ्लोराइट स्ट्रक्चर, तो अब आप नीचे लिख लो हमारा फ्लोराइट स्ट्रक्चर CaF2, है ना। हियर देयर इज नो नीड टू रिमेंबर द रेडियस रेशियो, 1:2 का रेशियो है तो आप सीधे सीधे खुद ही बता सकते हो कि कौन सा वॉइड होगा ये टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है ना। तो फर्स्ट आप लिख लेना हमारा CaF2 स्ट्रक्चर, है ना, ब्रैकेट में डाल भी देना, है ना, फ्लोराइड नहीं है, है ना, एफ माइनस को फ्लोराइड बोला जाता है बेटा, ये फ्लो राइट है। तो इसमें लिखना है इन फ्लोराइड स्ट्रक्चर कैल्शियम आयंस
कैल्शियम आयन्स आर प्रेजेंट या अरेंज लिख लेना, कैल्शियम आयन्स आर अरेंज्ड इन सीसीपी, सीसीपी बार बार बोल बोल के थक गया हूं, आज आखिरी बारी बोल रहा हूं सीसीपी, जब भी बोला जाएगा मतलब एफसीसी, और एफसीसी मतलब कॉर्नर एंड फेस सेंटर, है ना, दैट इज एफसीसी, और ब्रैकेट में डाल देना सी प्लस एफसी, दैट इज कॉर्नर एंड फेस सेंटर, ठीक है, एंड है ना, एंड एफ माइनस टू इज प्रेजेंट इन, एफ माइनस टू इज प्रेजेंट इन ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स. तो इफ नंबर ऑफ कैल्शियम आयन की बात करी जाए बेटा, तो इट इज 8 कॉर्नर इंटू 1/8 प्लस 6 फेस सेंटर इंटू 1/2 दैट इज 4. अगर कैल्शियम आयन 4 है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे इसके, डबल, मतलब 8, और अगर टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 है तो नंबर ऑफ एफ माइनस आयन पूरे 100% में भरा हुआ बेटा 8. यू कैन सी किस रेशियो में होना चाहिए थे दोनों, 1:2, अभी भी किस रेशियो में आ रहा है बेटा, 1:2. मतलब फॉर्मूला अगर पूछा जाएगा मुझसे तो क्या बोलूंगा मैं, CaF2, और Z पूछा जाएगा बेटा तो 4, है ना, जेड वो चीज होती जो कॉमन निकल रहा है, तो दोनों में कॉमन कितना निकल रहा है आपका 4, तो दैट्स वाई जेड इक्वल्स टू 4, फॉर्मूला इज CaF2. एज लेंथ के लिए अब मैं लिखा नहीं रहा हूँ, बस फॉर्मूला लिख ले रहे हैं, अगेन टेट्राहेड्रल वॉइड है बेटा, मतलब कॉर्नर वाला एनायन और वॉइड का केटायन, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, √3a/4, तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ a विल बी इक्वल्स टू 4/√3 ऑफ किसका, RCS+2 प्लस RF-. क्लियर. एंड लास्टली फाइनल थिंग क्या आती है हमारा, CN, है ना, एफ माइनस की अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर पूछूं आपसे तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफ माइनस, फोर, क्योंकि एफ माइनस कहां पर प्रेजेंट है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड में, ठीक है ना, और कैल्शियम आयन की अगर मैं पूछूंगा, कैल्शियम आयन कहां पर प्रेजेंट है, कॉर्नर, एक कॉर्नर 8 कमरे से बेटा, अब हर टेट्राहेड्रल वॉइड भरा हुआ है, तो कैल्शियम आयन कितने को टच कर रहा होगा, पूरे 8 को, और पहले कोऑर्डिनेशन नंबर किसकी लिखी जाती है, केटायन, तो आप इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दोगे, 8:4, केटायन की 8 और एनायन की 4, है ना, तो बस इसमें लिख लेना लास्ट लाइन, बस यही हमारा है ना, कि कैल्शियम आयन इज टचिंग 8 फ्लोराइड आयन, कैल्शियम आयन इज टचिंग 8 फ्लोराइड आयन, एंड इच फ्लोराइड आयन इज टचिंग, एंड इच फ्लोराइड आयन इज टचिंग 4 कैल्शियम आयन, सो स्ट्रक्चर हैज 8:4 कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, अभी तक तीनों की सेम थी बेटा, अभी आपका अलग अलग होगी, 8:4 होगी, है ना, एंड बोर्ड लाइक क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता कि अदर एग्जांपल्स, तो ये CaF2 है बेटा, तो आप अदर एग्जांपल्स डाल सकते हो, SRF2, BaF2, SRF2, BaF2 एटसेट्रा, नाउ अवर लास्ट स्ट्रक्चर इज Na2O विच इज एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, है ना, बाय द नेम इट इज क्लियर कि इट इज अपोजिट ऑफ किसके, एंटी का मतलब क्या होता है बेटा, अपोजिट, तो इट इज अपोजिट ऑफ फ्लोराइड स्ट्रक्चर, तो जस्ट नोट डाउन कि इट इज एंटी
इट इज एंटी, दैट इज अपोजिट ऑफ फ्लोराइड स्ट्रक्चर. इट इज एंटी दैट इज अपोजिट ऑफ फ्लोराइड स्ट्रक्चर. ठीक है, हैंस है ना, हैंस कैटायंस आर प्रेजेंट इन, हैंस कैटायंस आर प्रेजेंट इन ऑल टीवी. टीवी स्टैंड फॉर वॉट? टेट्राहेड्रलॉइड. एंड एनायंस आर अरेंज्ड इन सीसीपी. ठीक है, तो एनायंस अगर सीसीपी में है, सीसीपी का मीनिंग कॉर्नर और कहां बेटा, फेस सेंटर, तो नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन कितने हो गए आपके? फोर. अगर ऑक्साइड आयन फोर है तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रलॉइड्स कितने होंगे? आठ. और अगर टेट्राहेड्रलॉइड्स आठ है तो नंबर ऑफ एनए प्लस आयन जो होंगे कितने हो जाएंगे हमारा? एट. ठीक है ना, तो आप देख सकते हो कि सोडियम डबल होना चाहिए था ऑक्सीजन के, वो हो भी रहा है, तो दैट्स व्हाई फॉर्मूला विल बी व्हाट? Na2O. ठीक है, और Z की बात करूं तो कितना हो गया हमारा? 4. तो Z हर स्ट्रक्चर का आपका 4 है, एक्सेप्ट किसका छोड़कर? आपका CHCl. थर्ड चीज हमारा एज लेंथ बेटा. ठीक है ना, तो फिर से बताने की मुझे जरूरत है ही नहीं. जब तक टीवी का होगा तो एज लेंथ हमेशा 4/√3 वाला ही होगा, तो दैट्स वाई एज लेंथ ए विल बी इक्वल्स टू 4/√3 ऑफ आर एन प्लस प्लस आर ओ माइनस 2. ओके, अब लास्ट पार्ट बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर. तो कोऑर्डिनेशन नंबर एनए प्लस की तो कितनी होगी? 4, क्योंकि अब वो टेट्राहेड्रलॉइड में हो गया है. और ऑक्साइड की कितनी हो जाएगी? 8. मतलब वो 8:4 था तो 4:8. पूरा एंटी है, मतलब पूरा पूरा उल्टा हो गया. तो इन कोऑर्डिनेशन नंबर बस लास्ट लाइन वी विल राइट की Na plus is touching 4 oxide ion. Na plus is touching 4 oxide ion and oxide ion is touching 8 Na plus ion. And oxide ion are touching 8 Na plus ion. So coordination number is 4:8. ठीक है, तो ये 5 मेजर स्ट्रक्चर्स हैं. बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ भी पूछ सकता है कि इस स्ट्रक्चर का क्या क्या है, क्या क्या नहीं है. ठीक है ना, संडे को देयर इज अ रिवीजन क्लास ऑफ एनवीसर, रिले लेक्चर वाली क्लास है ना, क्योंकि हमारा चैप्टर तो 1 महीने से चल रहा है बेटा. अब थोड़ा इमेजिनेशन पावर क्या हो गया होगा, फिर गड़बड़ हो रहा होगा. संडे की एक क्लास और आखिरी बार क्लास कर लेना, और 2 पेज आपके है ना कॉपी के, 1 पेज फाड़ लेना, फ्रंट पेज और बैक पेज पूरे रिजल्ट 2 पेज में आ जाएंगे. 8-10 जीरोक्स करवा के उसकी रख लेना, है ना, जेब में पड़ी रहे कॉपी. हर दूसरे तीसरे दिन बस उन रिजल्ट्स को खोल के देख लो. पूरा चैप्टर साल भर में जाते जाते तक क्या हो जाएगा? खत्म. कोई भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व करके आ जाओगे आप इसका. ठीक है ना, तो एक बार और वो क्लास अटेंड कर लेना, ताकि है ना अपन ने जो चीज़ 1 महीने में पढ़ी है वो पूरी बस 2.5 से 3 घंटे में क्या हो जाएगी? कवर हो जाएगी. तो पूरी चीजें एक साथ आपको जब दिखेंगी तो मजा आ जाएगा. ठीक, चलो. तो अपार्ट फ्रॉम दिस 5 स्ट्रक्चर देयर आर सम अदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है ना, विच इज
है ना इम्पोर्टेंट फ्रॉम जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पहले हेडिंग डाल दो, सम अदर इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स, और ब्रैकेट में डाल देना जेई एडवांस, है ना। तो तीन चार कुछ और अच्छी स्ट्रक्चर्स हैं अपार्ट फ्रॉम दिस फाइव, सम अदर इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर इन ब्रैकेट जेई एडवांस। द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज योर पर्वोस्काइट स्ट्रक्चर, बेसिकली पर्वोक्साइड जो स्ट्रक्चर होती है बेटा ना, ये ऑक्साइड आयन, एक कोई मेटल मान लो बी मान लेता हूं प्लस फोर वाली, और एक कोई मेटल प्लस टू वाली, इनके कॉम्बिनेशन से होती है ना। एक प्लस टू वाली मेटल होगी, एक प्लस फोर वाली मेटल होगी, और ऑक्साइड है, ठीक है ना। अब विद रिस्पेक्ट टू चार्ज बैलेंसेस सोचूं, इन दोनों की नंबर 1:1 होती है, ताकि नेट पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया मेरा प्लस सिक्स, ठीक है ना। तो अगर किसी कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज प्लस सिक्स है तो नेगेटिव चार्ज माइनस सिक्स होगा, तो इसलिए ऑक्साइड आयन की नंबर कितनी हो गई हमारा 3। तो दैट्स व्हाई द जनरल फॉर्मूला ऑफ पर्वोक्साइड स्ट्रक्चर इज AbO3, है ना। और बेसिकली ये एक तरीके से मिक्स ऑक्साइड है बेटा। देखो प्लस टू वाले का ऑक्साइड क्या होगा आपका AO, है ना। प्लस टू और माइनस टू है तो सेम फॉर्मूला बनेगा, ये प्लस फोर है और ये माइनस टू है बेटा, तो दूसरे वाले का ऑक्साइड क्या होगा आपका BO2। तो AO प्लस BO2 को जोड़ दो, क्या बन गया AbO3, है ना। तो परोक्साइड बेसिकली मिक्स ऑक्साइड होता है बेटा, ठीक है ना। इस तरीके से उसका कॉम्बिनेशन होता है, और मेजर इंपॉर्टेंटली जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है BaTiO3, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेरियम ऑक्साइड BaO प्लस टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2। ठीक है, अब क्या होता है इसके स्ट्रक्चर में लिख लेना कि इन पर्वोस्काइट स्ट्रक्चर ऑक्साइड आयन्स आर प्रेजेंट, एट फेस सेंटर ऑफ द क्यूब, ठीक है ना। बेरियम आयन इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, बेरियम आयन इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, एंड टाइटेनियम आयन इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, ठीक है। तो टाइटेनियम आयन इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर, तो दिस इज द स्ट्रक्चर। ये वाले आपके जो है ऑक्साइड आयन है बेटा, जो 6 फेस सेंटर पे प्रेजेंट है, 8 कॉर्नर पर आपके ब्लू वाले बेरियम आयन, और व्हाइट वाला बॉडी सेंटर पर Ti+4। तो आप इससे देख सकते हो कि अगर नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन की बात करी जाए, 6 फेस सेंटर पर है तो इंटू हाफ कितना हो जाएगा मेरा 3। नंबर ऑफ Ba+2 आयन की बात करूं, कहां कहां पर है, 8 कॉर्नर पर इंटू 1/8 मतलब 1, और अगर मैं नंबर ऑफ Ti+4 आयन की बात करूं तो वो एक ही है बॉडी सेंटर पर, हैविंग फुल कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब 1। तो यू कैन सी 1:1:3 का रेशो, दैट्स वाई फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज क्या, BaTiO3। और अगर इसका जेड पूछा जाएगा मुझसे, तो आप कॉमन आप देख सकते हो केवल 1 निकल रहा है, तो दैट्स वाई इट्स जेड विल बी 1। ठीक है, सेकंड इज कोरंडम स्ट्रक्चर। कोरंडम नाम सुना है किसी ने? यस सर। क्या होता है? Al2O3, सीमेंट में नहीं डाला जाता बेटा, बाकी हाँ होता जरूर Al2O3, ये जरूर सही है, ठीक है ना। तो कोरंडम इज ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम, दैट इज Al2O3, है ना।
बच्चा कार्बोरेंडम से खूब ज्यादा कंफ्यूज होता है, कोरेंडम और कार्बोरेंडम, इनमें खूब कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को. कार्बोरेंडम इज सिलिकॉन कार्बाइड, है ना. ये डायमंड का ही फॉर्म है बेटा. डायमंड में क्या होता है, थ्री डायमेंशनल जियांट नेटवर्क बनता है एंड ऑल द एटम्स आर ऑफ कार्बन. कार्बन का ही अगला एलिमेंट क्या होता है बेटा, सिलिकॉन. तो बस डायमंड के स्ट्रक्चर में आधे एटम कार्बन के किससे रिप्लेस कर दो, सिलिकॉन से, सिलिकॉन कार्बाइड बन जाता है जिसे कार्बोरेंडम बोला जाता है. हैविंग इक्वल हार्डनेस एज डायमंड, डायमंड की पता ही होगी हार्डनेस सबसे ज्यादा होती है ना, मो स्केल से हार्डनेस मेजर कर जाती है, उसमें 10 दिया जाता है तो इसकी इक्वलेंट टू डायमंड होती. तो कार्बोरेंडम और कोरेंडम अलग अलग है ना, कोरेंडम इज वॉट आपका Al2O3, ठीक है. तो इसमें लिखना, दिस इज अवर सेकेंड स्ट्रक्चर, कि इन कोरेंडम स्ट्रक्चर ऑक्साइड आयंस आर अरेंज्ड इन HCP एंड Al+3 ion इज प्रेजेंट इन 2/3 ऑफ Al+3 ion इज प्रेजेंट इन 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. ठीक है, तो अगर मुझसे नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन बोला जा रहा है बेटा, जो मैंने अभी बोला कहां पर है, HCP, तो नाउ आई एम राइटिंग द डायरेक्ट नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन हो गए कितने आपके, 6, ठीक है ना. इफ नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन्स आर 6, दैट मीन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स विल आल्सो बी 6, क्योंकि दोनों किस रेशियो में होते हैं, 1:1. तो नंबर ऑफ Al+3 ion है ना, वी सेड दैट इट इज प्रेजेंट इन 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो कितने हो गया बेटा, 4. आप देख सकते हो दोनों किस रेशियो में होने चाहिए थे, 2:3. अभी किस रेशियो में आ रहे बेटा, 4:6. मतलब कॉमन क्या निकल रहा है आपका, 2. तो 2 कॉमन निकला, मतलब इसका z कितना हो गया, 2. जो चीज कॉमन निकल जाती है वो z है, और फॉर्मूला पूछेगा तो Al2O3. इन ऑल सच स्ट्रक्चर्स क्वेश्चन विल बी देयर इन शीट और DPP सब में है, है ना. बस उसमें नाम ना देके ऐसे बोल देगा कि डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड फॉर्म बाय ए एंड बी, जिसमें ए आपका HCP में है और बी 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड में है, ठीक है ना. आप वैसे भी कर सकते हो बेटा, बट मैं पहले ही क्लास में लिखवा दे रहा हूँ स्ट्रक्चर्स को आपको. ठीक है, चलो. थर्ड स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड. इफ यू आर गोइंग विथ रिस्पेक्ट टू CB, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग. अगर आप बॉन्डिंग से जाते हो बेटा, होपफुली यू हैव लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, है ना. ग्रेफाइट और डायमंड की स्ट्रक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. ग्रेफाइट की हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है और दो लेयर आपस में क्या करती है, एक दूसरे में स्लाइड कर सकती. दैट्स व्हाई ग्रेफाइट इज अ गुड लुब्रिकेंट. बट डायमंड जो होता है बेटा, ग्रेफाइट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, डायमंड में sp3. ईच एंड एवरी कार्बन इज बॉन्डेड विथ 4 अदर कार्बन, इस तरीके से, ठीक है ना. अब ये जो कार्बन आया आपका, दिस कार्बन इज अगेन बॉन्डेड विथ 4 अदर, ठीक है ना. ये जो आपका कार्बन है, दिस सेकेंड कार्बन, इट इज ऑलरेडी बॉन्डेड विथ 1, इट विल अगेन बॉन्डेड विथ 4 कार्बन एटम. ये जो कार्बन है, 1 से तो बॉन्डेड है,
फिर 3 से अलग से बॉन्डेड होगा। इस तरह से पूरा क्या होता है आपका नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, 3D जियंट नेटवर्क स्ट्रक्चर जिसे बोला जाता है। दैट्स व्हाई डायमंड्स हार्डनेस क्या होती है काफी ज्यादा होती है। नॉर्मली वी विल से दैट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स के ज्यादा होते हैं, बट डायमंड आपको पता होगा कोवालेंट होते हुए भी इसका हाईएस्ट होता है ना, क्यों? बिकॉज 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बन जाती है। जस्ट नाउ वी आर डिस्कसिंग सिलिकॉन कार्बाइड, उसमें क्या हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड में भी कोई चेंज नहीं बेटा, बस आधे एटम्स जो कार्बन के हैं दैट विल बी रिप्लेस बाय किससे, सिलिकॉन, है ना। तो दोनों की स्ट्रक्चर सेम होती, तो दिस इज द स्ट्रक्चर विथ रिस्पेक्ट टू केमिकल बॉन्डिंग। बट नाउ वी वॉन्ट टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू SS मतलब सॉलिड स्टेट, कि सॉलिड स्टेट के टर्म्स में इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है ना। दोनों का हम लोग साइड बाय साइड कंपैरिजन शो कर रहे हैं सॉलिड स्टेट की स्ट्रक्चर में, है ना। पहले जस्ट ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दैट एंड नाउ वी आर कमिंग टू SS सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो देखना विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड स्टेट द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज सिमिलर टू ZnS। विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज सिमिलर टू ZnS। अब अभी ZnS की क्या स्ट्रक्चर बोली थी हमने, सल्फाइड आयन कहां पर था बेटा, कॉर्नर और फेस सेंटर, ठीक है ना, और Zn+2 आयन था ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में। बस इतना चेंज हो गया कि अब Zn+2 की जगह भी कार्बन है और सल्फाइड आयन की जगह भी कार्बन है, क्योंकि डायमंड में पूरे एटम्स ही किसके होंगे, कार्बन, है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड स्टेट द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज सिमिलर टू ZnS इन विच ऑल द Zn+2 आयन, इन विच ऑल द Zn+2 आयन एज वेल एज सल्फाइड आयन, in which all the Zn+2 ion as well as sulfide ion are replaced by carbon, so in the structure of diamond, in the structure of diamond, carbon atoms are present at corner, comma face center, कॉर्नर कॉमा फेस सेंटर एज वेल एज इन 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड स्टेट इसकी एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर होती है बेटा, यू कैन सी कि क्या बन चुका है आपका टेट्राहेड्रल, है ना। हम लोग हमेशा एक क्यूब को कितने क्यूब में डिवाइड करते हैं बेटा, 8 में, ठीक है ना। ये मैंने केवल वो एक पोर्शन लिया है उस क्यूब का, ठीक है ना। ये सब, ये वाला पॉइंट कॉर्नर है, ये तीनों क्या है आपका फेस सेंटर, 3 फेस सेंटर का एटम मुझे पता है एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ये एक कॉर्नर वाला है, इनके बीचों बीच क्या बनेगा आपका टेट्राहेड्रल वॉइड, और यहां से भी मुझे दिख रहा है कि एक कार्बन कितने से सराउंडेड होना चाहिए था, 4 से, वो आपका हो गया। तो कभी भी आपकी सॉलिड स्टेट के टर्म्स में डायमंड की स्ट्रक्चर बोली जाएगी तो आप स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड को FCC बोलोगे, कि कार्बन एटम जो है वो कॉर्नर पर, फेस सेंटर पर, और उसके अलावा कहां पर, 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट है। तो अगर मुझसे नंबर ऑफ कार्बन एटम
पर यूनिट सेल पूछेगा तो 8 तो कॉर्नर इंटू 1/8, 6 फेस सेंटर इंटू हाफ, और एफसीसी में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं बेटा, तो उसका भी हाफ। तो इसलिए बी केयरफुल कि कार्बन का कभी भी जेड पूछ लिया जाए, एडवांस लाइक स्ट्रक्चर है ऑल दिस, तो कार्बन का जेड एक यूनिट सेल में आपको कार्बन के कितने एटम पूछे मिलेंगे, 8 है ना, तो ये तो उसका हो गया बेटा जेड। दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो बॉन्डिंग में से भी मुझे पता है कि हर कार्बन कितने को टच कर रहा है बेटा, 4 को ही, तो हर कार्बन की कोऑर्डिनेशन नंबर है ना। अब मुझे एक ही कोऑर्डिनेशन नंबर बतानी, अलग अलग नहीं बतानी, क्यों नहीं बतानी, हर जगह कार्बन ही बेटा है ना, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी आपका, 4। अगर आपसे तीसरी चीज एज लेंथ पूछी जाए है ना, तो अगेन ये कॉर्नर है बेटा, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, मुझे पता है कॉर्नर है ना, दिस इज द कॉर्नर, और ये तीनों पॉइंट क्या है आपके, फेस सेंटर, एंड दिस पॉइंट इज योर क्या, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो मुझे पता है कॉर्नर से लेकर टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, √3a/4। और अगर मैं डायमंड के टर्म्स में बात करूं बेटा, तो दिस √3a/4 विल बी इक्वल्स टू है ना डिस्टेंस बिटवीन किस किस के बीच में, कार्बन एंड कार्बन, दैट इज नथिंग बट क्या, बॉन्ड लेंथ ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी, सही है कि नहीं, है ना, कितनी होती है सी सिंगल बॉन्ड सी की बॉन्ड लेंथ, ये सब डाटा भी पूछ लेता है एग्जाम में बेटा, जो स्टैंडर्ड है, सी सिंगल बॉन्ड सी इज 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग, सी डबल बॉन्ड सी इज 1.34 आर्मस्ट्रॉन्ग, सी ट्रिपल बॉन्ड सी इज 1.2 आर्मस्ट्रॉन्ग, और बेंजीन अगर आपको पता हो ड्यू टू रेजोनेंस ऑल द बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटा इसकी, इक्विवेलेंट, नेदर प्योर सिंगल बॉन्ड नॉर प्योर डबल बॉन्ड, तो इसमें 1.39 आर्मस्ट्रॉन्ग सिंगल और डबल के बीच में है ना, तो ऑल्सो रिमेंबर दिस बॉन्ड लेंथ, क्योंकि ये ऑर्गेनिक की मेजर इंपॉर्टेंट बॉन्ड लेंथ है, ठीक है ना। और डिस्टेंस बिटवीन कार्बन कार्बन, क्या मैं डी सी सी को ट्वाइस ऑफ आर सी भी लिख सकता हूँ, कार्बन कार्बन के बीच की डिस्टेंस का मतलब क्या बेटा, इधर भी रेडियस ऑफ कार्बन, इधर भी रेडियस ऑफ कार्बन, तो यू कैन ऑल्सो राइट। तो अगर आपको सी सी सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ पता है 1.54, इससे आपको रेडियस ऑफ क्या पता पड़ गया बेटा, कार्बन, और अगर रेडियस ऑफ कार्बन पता पड़ गया तो आपको एज लेंथ भी क्या होगी पता पड़ जाएगी, कि इसकी एज लेंथ कितनी हो गई, 4/√3 ऑफ डी सी सी विच इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ आर सी, ठीक है ना। और अगर एज लेंथ पता पड़ गई बेटा, तो अब आप इसकी है ना सॉलिड स्टेट के टर्म्स में बोलोगे, है ना, भले ये 3D नेटवर्क बना रहा है बेटा, बट चूंकि स्फेरिकल है तो बीच बीच में जगह तो क्या होगी, काफी सारी खाली होगी, तो सॉलिड स्टेट के टर्म्स में अगर आप पैकिंग एफिशिएंसी में जाते हो ईटा, तो दैट विल बी जेड इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम, दैट इज 4/3 फाई आर सी, मतलब रेडियस ऑफ कार्बन का होल क्यूब अपॉन ए क्यूब, ठीक है ना, इनटू क्या आपका 100। अब आपके सामने जेड लिखा ही हुआ बेटा, इसका जेड कितना है 8, रेडियस ऑफ कार्बन भी अब तो आप सीधे ही बता सकते हो बेटा, इसका हाफ कर दोगे 0.72, तो ये भी पता पड़ गया, डिवाइडेड बाय अगर रेडियस ऑफ कार्बन पता है तो एज लेंथ भी पता है, इससे आप निकाल सकते हो बेटा, एंड ऑन डूइंग कैलकुलेशन ओनली 34%, केवल 34% क्या होती है स्ट्रक्चर आपकी भरी हुई होती है, बाकी स्पेस क्या है आपकी खाली है। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू, जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ सकते हैं। So now we are coming to our last and final, that is spinal structure. Okay.
लिखना स्पाइनल है ना, इज द नेम गिवन ना, स्पाइनल इज द नेम गिवन टू अ सीरीज ऑफ कंपाउंड है ना, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड है ना हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑक्साइड्स, सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑक्साइड्स है ना. सो बेसिकली स्पाइनल इज अ मिक्स ऑक्साइड है ना, बेसिकली स्पाइनल इज अ मिक्स ऑक्साइड ऑफ डाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट मेटल आयन. बेसिकली स्पाइनल इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ डाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट मेटल आयन है ना. अब जैसे मैं डाइवेलेंट को ए मान ले रहा हूँ बेटा, तो अगर डाइवेलेंट ए ले रहा हूँ तो ए प्लस टू आयन हो गया, ठीक है ना. तो इसका ऑक्साइड क्या होगा बेटा, एओ. और ट्राइवेलेंट को मैं मान लेता हूँ क्या मेरा बी प्लस थ्री, तो इसका ऑक्साइड क्या होगा आपका बी टू ओ थ्री, सही है. तो स्पाइनल बेसिकली आपका मिक्स ऑक्साइड होता है एओ और बी टू ओ थ्री का. तो एओ प्लस बी टू ओ थ्री विल गिव यू ए बी टू ओ फोर, दिस इज स्पाइनल, ठीक है. और इसमें होता क्या है, जैसे आपको रियल लाइफ से ही, ये तो जनरल बता रहा हूँ, रियल लाइफ से एग्जांपल, तो जेड एन ओ डाइवेलेंट है बेटा, एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट होता है. तो जिंक का ऑक्साइड जेड एन ओ, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ए एल टू ओ थ्री, दोनों कंबाइन कर देंगे तो क्या बना देंगे, जेड एन ए एल टू ओ फोर है ना. आयरन अगर आपको पता हो, आयरन के दो ऑक्साइड, एक एफ ई ओ होता है और एक एफ ई टू ओ थ्री, ठीक है ना. तो FeO तो डाइवेलेंट हो गया बेटा, Fe2O3 डाइवेलेंट. और आपने आयरन के मिक्स ऑक्साइड का नाम शायद सुना होगा Fe3O4, बस इतना फर्क है कि इसमें डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट दोनों सेम हो गए, इसलिए दो और एक कितना हो गया तीन. तो Fe3O4 की भी कौन सी स्ट्रक्चर होती है, स्पाइनल स्ट्रक्चर ही होती है, ठीक है ना. तो स्पाइनल बेसिकली मिक्स ऑक्साइड होता है, एक डाइवेलेंट का एक ट्राइवेलेंट का, जनरल फॉर्मूला Ab2O4 होता है. रियल लाइफ के दो एग्जाम्पल आप समझना चाहो तो ZnAl2O4 या Fe3O4 है ना. नाउ अगेन स्पाइनल स्ट्रक्चर जो होती है वो दो तरह की होती है बेटा. पहला है आपका नॉर्मल, फर्स्ट वन इज नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर. तो जिसमें लिखना कि नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर in normal spinal structure oxide ions are arranged in CCP, in normal spinal structure oxide ions are arranged in CCP that is FCC, divalent ion डाइवेलेंट आयन इज प्रेजेंट इन वन एट्थ ऑफ टीवी, डाइवेलेंट आयन इज प्रेजेंट इन वन एट्थ ऑफ टीवी एंड ट्राइवेलेंट आयन इज प्रेजेंट इन, डाइवेलेंट आयन इज प्रेजेंट इन वन एट्थ ऑफ टीवी एंड ट्राइवेलेंट आयन इज प्रेजेंट इन हाफ ऑफ ओवी, ठीक है, हाफ ऑफ ओवी. तो अगर मुझसे नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन की बात कर रहा है तो नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन कितने हो गए मेरे, है ना, एफ सी सी में बेटा, तो एट कॉर्नर इंटू वन बाय एट प्लस छ फेस सेंटर इंटू हाफ, ऑक्साइड आयन हो गए चार. अगर ऑक्साइड आयन चार हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स इसके डबल मतलब कितने होंगे, आठ. और ऑक्टाहेड्रल वॉइड सेम ही होते हैं मतलब चार,
तो मुझसे बोला गया है कि डाइवेलेंट आयन जो है, हमने डाइवेलेंट को ए प्लस टू माना है, तो नंबर ऑफ ए प्लस टू आयन इट इज प्रेजेंट इन 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो आप देख लो इसकी नंबर है ना, मुझे चाहिए भी एक था तो एक हो गया। और ट्राइवेलेंट आयन की बात करता हूं, दैट इज नंबर ऑफ बी प्लस थ्री आयन, तो इसके लिए बोला गया हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड चार है, उसका हाफ मतलब दो। विद रिस्पेक्ट टू चार्ज भी आप देख सकते हो, ऑक्साइड आयन अगर चार हैं तो नेगेटिव चार्ज विल बी -8, ए प्लस टू एक है तो +2, और बी प्लस थ्री दो है तो +6, +6 और +2 +8 -8, चार्ज क्या हो गया आपका न्यूट्रलाइज, ठीक है ना। फॉर्मूला विल बी Ab2O4 और Z आपका कितना रहेगा 1, क्योंकि इसमें कॉमन केल 1 ही निकल रहा है। तो एक तो नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर होती है बेटा, एक इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर भी होती है। दोनों में फर्क कुछ नहीं है, नॉर्मल और इनवर्स में केवल ओनली द पोजीशन ऑफ ट्राइवेलेंट आयन इज चेंज्ड। किसकी पोजीशन चेंज होगी आपकी, ट्राइवेलेंट की, बाकी सब कुछ सेम है। तो आप लिख सकते हो बेटा कि इन इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर ना, इन इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर है ना, ऑक्साइड आयन एंड डाइवेलेंट आयन ऑक्साइड आयन एंड डाइवेलेंट आयन आर सेम एज इन नॉर्मल ऑक्साइड आयन एंड डाइवेलेंट आयन आर सेम एज इन नॉर्मल बट ट्राइवेलेंट आयन इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्राइवेलेंट आयन इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दैट इज 1/8 ऑफ टीवी एंड 1/4 ऑफ ओवी। दैट इज 1/8 ऑफ टीवी एंड 1/4 ऑफ ओवी, ठीक है ना। तो बाकी अगर आप देखते हो बेटा फर्स्ट तीन लाइनें तो सेम ही है, केवल बी प्लस थ्री आयन की कैलकुलेशन चेंज हो गई। पिछले केस में वो क्या था, हाफ ऑफ द टेट्राहेड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अब क्या हो गया, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड के क्वेश्चन कभी भी आए बेटा कि एक एटम चार है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है टेट्रा और ऑक्टा में, मतलब दो टेट्रा में होगा और दो ऑक्टा में। तो अब अगर दो एटम है, एक टेट्रा में गया एक ऑक्टा में, ठीक है, तो एक टेट्रा में जाने का मतलब आठ थे बेटा टेट्रा, तो 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया, और ऑक्टा में एक जाने का मतलब 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो 1/8 × 8 प्लस 1/4 × 4 मतलब 2। तो यू कैन सी कि फॉर्मूला तो अभी भी आपका Ab2O4 ही रहेगा और Z इसका कितना हो जाएगा 1, है ना। तो दैट कंप्लीट्स अवर डिस्कशन ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर्स ऑल्सो, है ना। द फर्स्ट 5 आर मेजरली इंपॉर्टेंट फ्रॉम JEE point of view as well as CBSE board point of view. These structures are related to JEE advanced, है ना। इनके ऊपर books में question तो मिलते ही आपको, हर structure के ऊपर question मिलेगा, corundum, diamond, normal spinal, inverse spinal, तो मैंने पहले ही पूरी जानकारी आपको copy में लिखवा दी, ठीक है, okay? So tomorrow we will discuss exercise 1 complete. है ना, डिफेक्ट्स वाला पोर्शन छोड़ के, सेक्शन जी जो है आपका अभी डिफेक्ट्स कल होंगे, बाकी आप पूरी एक्सरसाइज 1 कर सकते हो, ओके?